हाय गाइस, इंजीनियर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। इंजीनियर कॉन्सेप्ट वापी में क्लासेस भी ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गए हैं। कोई अगर ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो वो नंबर है 7359924377। ये नंबर पे कांटेक्ट करके क्लासेस भी ज्वाइन कर सकता है। आज हम पढ़ेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 वर्क पावर एनर्जी, ये अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि वर्क क्या होता है, उसके बाद पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, वर्क के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है, उसके डेफिनेशन क्या होते हैं, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, एंड प्लस उसके यूनिट किस में मेजर किया जाता है वर्क को, ठीक है। फिर उसका CGS में क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद से वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए, सपोज दैट कोई बॉडी है लिफ्ट करने के लिए कितना वर्क डन की जरूरत होती है, ठीक है, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कोई बॉडी को लेके जाने के लिए कितने वर्क की जरूरत होती है, या कोई एक स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग में कोई अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसमें कोई डिफ्लेक्शन आ रहा है तो उसमें वर्क डन कितना हो रहा है, तो वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो वर्क के बारे में पढ़ते हैं कि वर्क क्या होता है, ठीक है। तो वर्क के लिए बताया गया कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा डेफिनेशन भी इसका लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अ वर्क डन। सिंपल सा डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अ वर्क डन, ठीक है, वर्क, ठीक है। अभी इसका अगर मुझे यूनिट फाइंड आउट करना है तो यूनिट क्या हो सकता है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो गया न्यूटन इनटू मीटर। एंड SI में इसको क्या बोलते हैं, SI यूनिट में एक और बोलते हैं वो है जूल, इसको जूल भी बोला जाता है, ठीक है। CGS में क्या बोला जाता है, CGS सिस्टम में क्या बोला जाता है, अर्ज होता है, ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, अर्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, अभी ये भी पूछ सकता है कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू हाउ मेनी और ऐसे अगर बोल देता है तो वो होता है 10^7 कितना होगा 7 होता है, 10^7 अर्ज होता है। वो कैसे होता है, यूनिट कन्वर्जन फर्स्ट चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर सपोज दैट मैं ये लिखता हूँ फोर्स का और क्या होता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इंटू ये मीटर है। अब इसको CGS में मुझे कन्वर्ट करना था क्या, और केजी का 1000 ग्राम इंटू मीटर का 100 सेंटीमीटर, सेकेंड तो वैसे ही है, सेकेंड का स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें भी सेकेंड ही आता है इसमें भी सेकेंड, इंटू मीटर का 100, देखो कितने जीरो हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 आगे ना 10^7 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इतना कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये यूनिट हो गया। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि अगर कोई बॉडी को लिफ्ट करना है, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ कि जैसे कोई बॉडी है यहाँ पर, ये बॉडी है, ठीक है, इसके लिफ्ट करके मुझे यहाँ पे लाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक कोई फोर्स लगाऊंगा, एफ जितना फोर्स लगाया, ठीक है। अब ये फोर्स लगाया तो यहाँ तक ले जाने में, मान लो यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज दैट एच है, और ये एफ कितना लगाएगा, कितने का ये मास होगा इंटू जी, ये इतने लगाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक गया ना तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है mg है एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है h है। तो इसके लिए क्या बोला जाएगा क्वेश्चन, वर्क डन फॉर लिफ्टिंग, वर्क डन फॉर लिफ्टिंग अ बॉडी, तो ये आ जाता है आपका वर्क डन फॉर लिफ्टिंग अ बॉडी, कोई बॉडी को लिफ्ट करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से आ जाता है कि वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड से अगर फाइंड आउट करना हो तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इतना आप इसके बारे में सीखिए। अगर सपोज डेट देखिए कोई एक सरफेस है, एक और पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस पर कोई एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, अब इस पर कोई अगर इंक्लाइन फोर्स ये एफ लग रहा है तो इसका यहां से ये यहां पर आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो गया, सपोज डेट एस जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक तो आया, तो इसके लिए मेरा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा,
सिंपल सा है कि ये बॉडी यहाँ पे आई है तो ये इसका मान लो किसी ये थीटा से ये इंक्लाइन में फोर्स लग रहा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट हम डिवाइड कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये जो इसके सामने ये वाला आ रहा है, तो सामने के लिए साइन हम यूज करते हैं फॉर साइन थीटा, और इसके साथ वाले को एफ कॉस थीटा। तो हमारे लिए एप्लीकेबल इस डायरेक्शन में जा रहा था, एप्लीकेबल कौन सा है, ये फोर्स है। तो वर्क डन के लिए क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, एफ कॉस थीटा है इंटू डिस्प्लेसमेंट एस है, तो ये क्या हो जाएगा एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो ये भी फॉर्मूले होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये कब फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जब ये इंक्लाइन में फोर्स लगते हों, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, और इंक्लाइन में इसी हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो एफ इंटू एस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे आप ध्यान से पढ़िए, और भी जो भी न्यूमेरिकल आएंगे, जो भी थियरी पार्ट है आगे वर्क के बारे में, तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू।